गाइस मैं वापस चुके एक और न्यू माइनक्राफ्ट का वीडियो लेकर यार ताजा बिल्कुल लेके आ गया माइनक्राफ्ट का 1.19.51 का वन ऑफ द बेस्ट सेटर गाइस। ये सेटर को जैसे ही आप यूज करोगे स्पॉन विलेज के पास ही हो गया गाइस, वहीं का यार वुड मेंशन रहेगा। जस्ट यार वो विलेज के नीचे वार्डन का घर रहेगा, मतलब जहां वार्डन स्पॉन होता है वो गाइस। तो सीट गाइस काफी अमेजिंग है, इसलिए ट्राई जरूर करना। और साथ जत कर यार नाइट विजन का पैक वाला वीडियो डाल सकता जिसको नाइट विजन का पैक चाहिए, ग्लोइंग ओर का टेक्सचर पैक चाहिए, तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो जाके जरूर से देख लेना गाइस। और ये रहा अपना सीट जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सीट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आके देख के भी लिख सकते हो। और ये आके नारे स्पॉन हो गए, स्पॉन है सामने यार आपको विलेज मिलेगा जैसे कि ये देखो दिख रहा है। और साथ ही साथ यार ये रहा अपना गाइस वुड मेंशन जो कि काफी कमाल का रहा है, काफी ज्यादा बड़ा है वुड मेंशन। बाकी यार वुड मेंशन के अंदर क्या क्या होता है मेरे को तो नहीं पता, बाकी आपको पता होगा वुड मेंशन के अंदर क्या होता है तो फट से कमेंट करो मेरे को बता दो ताकि मेरे को भी इन्फो हो जाए, मेरे को भी पता चल जाए। और गाइस जब विलेज में एक ब्लैक सीमित घर मिलेगा जो कि ये रहा है ब्लैक सीमित घर, अगर इसके अंदर जाके चेकआउट करते अपने देखते अपने क्या मिलता हो भाई, ये सारा चीज अपने को मिलेगा। ये तो सारा चीज हो गया गाइस, अब अपने को जाना गाइस वार्डन के घर। गाइस वार्डन का घर क्या बोलते हैं पता नहीं, जस्ट यार यहीं करने डिक करना, ब्लैक सीमित घर से नीचे से भी डिक करोगे तो यहाँ से अपन सीधा गाइस अपन निकलेंगे यार सीधा वार्डन के घर। जैसे कि देखो अपन डिक करते जा रहे एंड यार अपन निकल जाएंगे यार वार्डन के घर देखो। और ये लिटरली यार ये वार्डन का घर है कम से कम यार 1000 ब्लॉक दूर तक फैला हुआ है। बाकी यार कमेंट में बताना ये वार्डन का घर को क्या बोलते हैं यार, मेरे को तो पता नहीं, मैं माइनक्राफ्ट खुद ही खेल रहा हूँ एक साल से लेकिन मेरे को पता नहीं। बाकी यार आप कमेंट में बता सकते हो गाइस लिटरली हमको 1000 से 2000 ब्लॉक दूर तक ये फैला हुआ है गाइस, क्योंकि मैं इसके अंदर खुद ट्रैवल करके देखा हूँ गाइस। तो ये सीट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अगर नाइट विजन का वीडियो नहीं देखोगे लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी तो चेकआउट जरूर कर लेना।